इस वीडियो में दिए गए रूल का उद्देश्य है कि आप भी अपने पैसों को एक डिसिप्लिन्ड वे में मैनेज करते हुए लाइफ को एंजॉय करें, अन्यथा आपकी भी लाइफ रमेश और महेश की तरह स्ट्रगलिंग बनकर रह जाएगी। कहानी सुनते हैं। एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का है जिसकी वाइफ और दो बच्चे हैं। रमेश का मंथली इनकम 10,000 रुपया है। ये 10,000 रुपया मंथ के अंत होने से पहले ही खत्म हो जाता है और जरूरत की चीजों के लिए उधार लेना पड़ता है। रमेश का यह सोचना है कि अगर मेरी इनकम 30,000 रुपया महीना हो जाएगी तो मैं खुश रहूंगा और कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। दूसरे गाँव में महेश नाम का एक लड़का है। इसकी भी एक वाइफ और दो बच्चे है। महेश की मंथली इनकम 30,000 रुपया है। इसकी लाइफस्टाइल रमेश से काफी अच्छी है, लेकिन इसके पास भी वही स्थिति है जो रमेश की है। महीने के अंत तक हाथ में कुछ सेविंग्स ही नहीं बचती है। महेश अपनी मंथली इनकम 50,000 रुपया होने की मनोकामना करता है। अब सवाल ये है, रमेश और महेश अपनी इनकम से संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कल रमेश और महेश की मंथली इनकम 50,000 भी हो जाए, फिर भी यही स्ट्रगल वो पैसों के लिए करते रहेंगे, क्योंकि पैसों को लेकर इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है। वीडियो में बताया गया रूल पत्थर की लकीर तो नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में पैसों को मैनेज करना जरूर सिखा देगी। अगर आप भी यही सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चाहे आप 10,000 रुपया महीना कमाते हो या 1,00,000, अगर इस वीडियो में दिए गए रूल को फॉलो करते हैं तो हमेशा अपनी इनकम से संतुष्ट रहोगे और आप जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। इसको सीखने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद के अनुभव से सीखें या फिर किसी सक्सेसफुल पर्सन के अनुभव से सीखें। कई सक्सेसफुल पर्सन के अनुभव से ही मिला है एक अनोखा फाइनेंस मैनेजमेंट रूल, 50-30-20 रूल। कोई भी व्यक्ति इस रूल को अप्लाई करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। 50-30-20 रूल बहुत ही सरल है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये रूल अपने पूरे मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। 50% नीड यानी जरूरत, 30% वांट्स यानी इच्छा या सपने, 20% सेविंग्स यानी बचत। आइए इन तीनों हिस्सों को एक एक करके समझें। पहला हिस्सा 50% नीड्स यानी जरूरत। इस हिस्से में वे सारी चीजें आती है जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझें। रमेश का मंथली इनकम 10,000 रुपया है। इस वीडियो में बताए गए रूल के अनुसार इनकम का 50% हिस्सा यानी कि 5,000 रुपये अपनी जरूरत के ऊपर खर्च करना है, जैसे खाने पीने की सामग्री, पहनने के लिए कपड़े, घर का रेंट या EMI, इंश्योरेंस पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्जेस, मेडिकल, बच्चों की शिक्षा और भी अन्य जरूरत की चीजें जो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। इन सब के ऊपर 5,000 से 1 रुपये भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, 30% वांट यानी इच्छा या सपने। इस हिस्से में वे सारी चीजें आती है जो हमारी इच्छा या सपनों से जुड़े हुए है, जैसे बड़ा सा घर लेना, कार लेना, बड़ा LED TV, महंगा फोन, महंगे कपड़े, और वे सारी चीजें जिनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि लाइफ एक ही है और इसको एंजॉय करना है, न कि काटना है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने इसके लिए भी एक हिस्सा दिया है जिससे लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझे। जैसे कि चर्चा कर चुके हैं कि रमेश की मंथली इनकम 10,000 रुपया है। बताए गए रूल के अनुसार रमेश 10,000 इनकम पर 30% पैसे यानी 3,000 रुपया अपने इच्छा या सपनों के ऊपर खर्च कर सकता है। इस पैसों का इस्तेमाल करके कहीं घूमने का प्लान कर सकता है, कोई नया फोन ले सकता है, महंगे कपड़े खरीद सकता है। लेकिन रमेश को तो आगे बढ़ना है और पैसों की तंगी से दूर हटना है, इसलिए रमेश अपने इच्छा को थोड़ा कम करके 10,000 के इनकम में 3,000 रुपया इन सबके ऊपर खर्च करने का निर्णय लेता है। इच्छा या सपने का कोई अंत नहीं है। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है जो वृंद कवि की सलाह है कि पैर उतने ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जो है 20% सेविंग्स यानी बचत, जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। अगर सोचते भी है तो
तो इनके खर्च इतने अजीबोगरीब होते हैं कि बचत करने की तो दूर, महीने के आखिरी में किसी से कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझे। रमेश का मंथली इनकम 10,000 रुपया है। वो अपनी इनकम का 20% हिस्सा यानी कि 2,000 रुपया हर महीने बचत करेगा, जो कि फ्यूचर गोल और इमरजेंसी में काम आएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा इस बचत किए हुए पैसे को स्मार्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद रमेश और महेश का लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार होगा। रमेश का मंथली इनकम 10,000 रुपया है। उस 10,000 रुपये में से 50% नीड यानी 5,000 रुपये वो अपने जरूरत पर खर्च करेगा, 30% वॉन्ट्स यानी 3,000 रुपये खर्च करेगा और 20% सेविंग्स करेगा यानी कि 2,000 रुपये बचत करेगा। महेश का मंथली इनकम 30,000 रुपया है, तो वो अपने 30,000 रुपये का 50% यानी कि 15,000 रुपये अपने नीड्स पर खर्च करेगा, 30% हिस्सा यानी 9,000 रुपये वो अपने वॉन्ट्स पर खर्च करेगा और 20% हिस्सा यानी कि 6,000 रुपये बचत करेगा। चलिए ये तो हो गया रमेश और महेश के लिए, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में ये 50-30-20 रूल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अपना तो शुरू से ही ऐसा खर्च बन गया है कि ये रूल तो क्या, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आप भी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का सोच रहे हो तो आगे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान से सुने और अपने जिंदगी में इन पॉइंट्स का उपयोग करके अपने लाइफ को बेहतर बनाए। पहला, आज के बाद से आपके जेब से एक भी रुपया खर्च होगा तो आप अपने डायरी में लिखेंगे। दूसरा, एक महीने के बाद अपने सारे खर्च को एनालाइज करके वैसे खर्च को अलग करें जो आपकी जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है, साथ ही ऐसे खर्च को अलग करें जिसके बिना भी आपकी जिंदगी चल सकती है, जो आपकी जरूरत नहीं, इच्छा या सपनों से संबंधित है। तीसरा, जरूरत के खर्च और चाहत या इच्छा के खर्च को अलग अलग करने के बाद ये जांच करें कि कहीं आपकी जरूरत की चीजों पर मंथली इनकम का 50% से ज्यादा और चाहत या इच्छा के खर्च के ऊपर 30% से ज्यादा तो नहीं खर्च हो रहा। अगर ऐसा है तो 50% के अंदर जरूरत के खर्च को लाने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसे अगर महंगे किराए वाले मकान में रहते हो तो ऐसे मकान में शिफ्ट होने की कोशिश करो जिसका किराया आपके बजट के अंदर हो। घर के लिए राशन का सामान रोज लाने के बजाय महीने में एक या दो बार किसी होलसेल दुकान से खरीदे, जिससे आपके पैसों का भी बचत होगा और खर्च के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए बेकार का फैन, टीवी, लाइट चालू न छोड़े। जूते अगर 2,000 के खरीद रहे हो तो एक बार ये सोचो कि क्या 1,200 वाले से भी काम चल सकता है। नहीं, मैं आपको कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप बेशक 2,000 नहीं 3,000 के जूते लो, लेकिन उस हिसाब से पहले अपने इनकम को बढ़ा लो। अभी बस आपका ये फोकस होना चाहिए कि जरूरत के खर्च के ऊपर इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि महीने के शुरुआत में ही खर्च से पहले बजट बनाए कि किस पे कितना खर्च करना है। 10,000 के मंथली इनकम में 30,000 वाला लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपके पूरे लाइफ को कर्ज के जाल में बांध सकता है। अगर इच्छा या सपने के ऊपर किए जाने वाले खर्च भी 30% से ज्यादा है तो इसको भी मंथली इनकम का 30% के अंदर लाने की कोशिश करें। जैसे अगर घूमने ही जाना है तो ऐसे जगह घूमने जाए जहाँ खर्च कम हो। ज्यादा महंगा टीवी और मोबाइल लेने से अच्छा है कि अपने बजट वाला ही लो। जिंदगी के लिए हर चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है। पांचवा, जरूरत और इच्छा के खर्च को पूरा करने के बाद आपके मंथली इनकम का 20% पैसा सेविंग्स अकाउंट में जाना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस बचत किए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करें। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इसमें आपका कोई खर्च तो नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस न हो। अगर अपने साथ दोस्त और रिश्तेदार को भी 50-30-20 रूल के बारे में बताना चाहते हो तो ये वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो डेफिनेटली आप आपके लाइफ के प्रति सीरियस हो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप 50-30-20 रूल को अपने जीवन में उपयोग करके अपने फाइनेंशियल लाइफ को सुधार कर जिंदगी का आनंद लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।